जैसा कि आपको और मुझे पता है कि सीबीएसई और आईसीएसई अपना एग्जाम दो टर्म्स में ले रही है। पहला टर्म वन जो बेस्ट है एमसीक्यू के ऊपर, और दूसरा जो टर्म होगा उसमें भी अगर आसपास का सिचुएशन ठीक नहीं रहता है तो जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। बट महाराष्ट्र बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एंड आपको और मुझे सबको पता है कि न्यूज में ये अफवाह चल रही है और एक्चुअली में ये हो रहा है कि कोविड का एक नया वेरिएंट। अब इस वेरिएंट के कारण देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, तो अब बोर्ड एग्जाम का क्या होगा? बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। चलो मान लेते हैं केस में कि बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, तब तो भाई नाचो गाओ मोड़ उड़ाओ लड्डू बांटो। मगर अगर बोर्ड एग्जाम होता है और अगर वो एमसीक्यू बेस्ड होता है तो पूरा साल तुमने सब्जेक्टिव प्रिपेयर किया और अचानक से पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा, तो हर एक टॉपिक के एमसीक्यू को तुम कहां से प्रिपेयर करोगे? एक बड़ा सा सवाल उठता है कि भाई किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आर बोर्ड एग्जाम। और इसी सवाल का जवाब लेकर के मैं आया हूं आज के इस वीडियो में, तो मैं सारा सॉल्यूशन दूंगा, तुम्हें ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है, कौन से रिसोर्सेस तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और क्या है सबसे आसान तरीका अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने का फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो चैट में लिख दो यस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहला स्टेप जो मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगा वो है कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यार रिक्वायरमेंट्स कुछ चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? अरे भाई बिना रिक्वायरमेंट के कैसे करोगे? तो रिक्वायरमेंट में मैं कहता हूँ कि तुम्हें तीन चीज चाहिए। सबसे पहला एक पेंसिल कलर, जो कि होगा रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। भैया ये कुछ अलग सा प्लान लग रहा है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का पेंसिल कलर चाहिए जी बिल्कुल। और दूसरा तुम्हें एक बुक चाहिए, और बुक कौन सा उसके बारे में डिस्कस मैं करूंगा, मगर मैं बात कर लेता हूँ जो भी बुक हमें चाहिए उन बुक से मुझे ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बेनिफिट लाइक सबसे पहले तुम्हें मिलना चाहिए बहुत सारा एमसीक्यू, हजार से ज्यादा एमसीक्यू। एक ऐसा बुक जो तुम्हें हजार से ज्यादा एमसीक्यू दे सकता है, तुम्हें एक ऐसे बुक से प्रिपेयर करना है। बेनिफिट नंबर टू जो हमें उस बुक से मिलना चाहिए कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस वन, लाइफ प्रोसेस टू, बायोडाइवर्सिटी, हर एक चैप्टर के हिसाब से उसमें एमसीक्यू होना चाहिए। बेनिफिट नंबर टू जो हमें मिलेगा वो सब टॉपिक वाइज एमसीक्यू होना चाहिए उसमें। अगर ऐसा कुछ है तभी मजा आएगा। जैसे मान लेते हैं ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ आता है, स्केप वेलोसिटी आता है, अगर इन सारे टॉपिक पे अगर मुझे एमसीक्यू मिल रहा है तो मजा आएगा ना। इन सारे टॉपिक पे अगर मुझे क्वेश्चन मिल रहा है तो मजा आएगा, तब मेरा प्रिपरेशन अच्छा होगा, वरना मेरा प्रिपरेशन तो राम भरोसे है। चलो बेनिफिट नंबर थ्री जो है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होने चाहिए, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछे गए वो भी वहीं पे मिल जाए, हमें दर बदर ना भटकना पड़े, 10 पीडीएफ ना ढूंढना पड़े, 10 किताबें ना खरीदना पड़े। जब खर्ची करना है तो एक बार करेंगे, 50 बार क्यों करेंगे। बेनिफिट जो हमें मिलना चाहिए वो है कि उस बुक में अगर हमें क्विक नोट मिल जाएगा या फिर क्विक रिविजन मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब हमें अलग से छोटे छोटे नोट्स बना के नहीं रखने पड़ेंगे, उसी चीज में मिल जाए, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी मिल जाए। जैसे कि तुम्हें पता है साइंस के अंदर हॉट्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। हॉट्स क्या होता है भैया? हाईली ऑर्डर्ड थिंकिंग स्किल। हॉट्स जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से एक्सेप्शन टाइप हो, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो अल्काली मेटल की तरह भी बिहेव करता है, हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है, तो उसको रखा कहां जाएगा? सोच के देखो। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर कुछ अजीब और गरीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में, जिसमें बच्चों का गलत होने का चांसेस होता है, तो अगर क्वेश्चंस में हमें रहना तो हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा। और उसमें अगर मार्क डर है रिड्यूस सिलेबस तो भाई क्या बात है, अगर मार्क डर है रिड्यूस सिलेबस तो क्या बात है। मैंने इस बात को दो बार क्यों बोला मालूम है? क्योंकि सारे लोग परेशान है इस चीज को ढूंढते हुए कि रिड्यूस सिलेबस क्या है, रिड्यूस सिलेबस क्या है, रिड्यूस सिलेबस क्या है। तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे बुक के बारे में जो तुम्हें भाई साहब ये सारे बेनिफिट्स देगा, और ये बुक है टारगेट द्वारा। टारगेट ने अपना नया कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक निकाला है जिसके अंदर तुम्हें ढेरों एमसीक्यू मिल जाएंगे। दिस इज फॉर एसएससी क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक ही बुक में साइंस 1 और साइंस 2 दोनों है, और भाई साहब तुम्हें इसमें 1, 3, 4, 3 एमसीक्यू मिलने वाला है। टॉपिक वाइज मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने बेनिफिट्स की मैंने बात की है सारे बेनिफिट्स इस अकेले बुक के अंदर है। चलो एक काम करते हैं, बुक को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारा बुक है, ठीक।
ठीक है, इस बुक को डीप में देखते हैं कि क्या भैया वो जो लाल कलर, ब्लू कलर, हरा कलर वाला कॉन्सेप्ट बोला था, इस बुक में किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और इस बुक का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हमें समझना है। तो मैं चलता हूं मेरे दूसरे सोर्स के ऊपर जहां पे मैंने ये बुक खोल लिया है। तो आई रियली होप कि तुम लोगों को ये बुक दिख रहा होगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये बुक दिख रहा है तो अब शुरू हो जाते हैं हम। कहाँ गया मेरा पेन? ये रहा मेरा पेन। और हमें किस तरीके से इस बुक का यूज करना है, तो ये बुक मैंने खोल लिया। अब तुम थोड़ा नीचे जाओगे ना तो ये सारे बेनिफिट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम ये वाला बुक लेते हो, ठीक है एक सेकंड ना, यस, अगर तुम ये वाला बुक लेते हो तो तुमको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो जो मैंने बात किया। अब सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं क्या इसमें दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंडेक्स में कि इसके अंदर साइंस वन जो कि आपका पार्ट वन है वो भी इंक्लूडेड है, जिसमें ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे चैप्टर इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद तुम देख सकते हो हीट, रिफ्रैक्शन सारे। और साइंस टू की भी अगर हम बात करें तो जो हमारे 10 चैप्टर है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी टेक्सुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा उसको रिप्रेजेंट करा गया है स्टार मार्क द्वारा, तो अपने को भटकना नहीं पड़ेगा। और एक और चीज लिखा है, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू रिड्यूस सिलेबस फॉर द ईयर आर मार्क विद आर, मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो आर मार्क है रिड्यूस सिलेबस। जो जो बेनिफिट के बारे में बात किया था सारा एक ही बुक में मिल रहा है, तो ये बुक तो अपने पास होना मांगता है। तो ये सैंपल कॉपी है, तो मैं एग्जांपल के लिए निकाल रहा हूँ ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, केपलर्स लॉ, हम अगर देखें तो क्विक नोट दिया हुआ है सारा का सारा जो भी हमें चाहिए, केपलर 1, 2, 3 सारे लॉ दिए हुए हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे टेक्स्ट बुक में वो भी दिया हुआ है। फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोहेजन भी दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है जिसपे हॉट से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में दिया है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब सारे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हैं जो हमें पता होना चाहिए, मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तुम पढ़ भी चुके होगे अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो। फिर देखो सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे, सही है ना, जितने फॉर्मूला जिससे बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तुम देख सकते हो आगे। उसके बाद सारे फॉर्मूलाज के बाद यहाँ पे वैल्यूज टू रिमेम्बर, जो इस चैप्टर में कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², ये वैल्यू तुम्हें आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो तुम्हें यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम, स्मॉल जी की बात कर रहे हैं जनाब। फिर देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मार्स, सबके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे सारे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। और हाँ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्विक रिव्यू के लिए ये फ्लो चार्ट दिया है, जिस फ्लो चार्ट को तुम एग्जाम से एक दिन पहले देख सकते हो, 4-5-6 घंटे पहले देख सकते हो और तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी बस अकेले इस फ्लो चार्ट को देख करके। कैन यू सी दिस, दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास होना चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया इसमें MCQ किस तरीके से दिया है, तो क्या चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज MCQ है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में ये सारे MCQ है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स, तो हाँ सब टॉपिक वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी। देखो केपलर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास सारे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अगर हम नीचे जाते हैं तो और भी सारे टॉपिक क्वेश्चन आते जाते हैं। अगर मैं धीरे धीरे नीचे जाऊं तो तुम्हें सारे दिखेंगे। भैया चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बोलते हैं डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे स्पीड चेंज करना है, डायरेक्शन वगैरह चेंज करना है, तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है फोर्स रिक्वायर्ड होगा, इनर्शिया रिक्वायर्ड होगा, मोमेंटम रिक्वायर्ड होगा या मोशन रिक्वायर्ड होगा। तो चलो खुदा ना खास्ता हमको आंसर नहीं पता है या पता है, तो हमने कहा कि भाई फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो हमने लिया यहाँ पे ये और हमने यहाँ पे टिक कर दिया कि फोर्स इसका आंसर है। चलो इसका आंसर चेक कहाँ करेंगे भैया, आपको कॉल लगाऊं, आपके यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करूं? अरे जनाब डरने की कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कि पहले का आंसर क्या है, ए आंसर है। क्या हमने ए पे टिक किया था? चलो चेक करते हैं। ओहो, चलो मोर उड़ाओ, लड्डू बांटो, आंसर आता है, गजब। तो इस तरीके से तुम तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया आपने एक बात और बोला था, बोलो क्या? लाल कलर का, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए। तो देख उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे जो सब टॉपिक्स है ना, इन सब टॉपिक्स के आगे तो मार्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि तेरे को ग्रेविटेशन का मतलब अच्छे से आता है तो तू इसके आगे ग्रीन मार्क करेगा। ठीक है, आता भी है याद भी है। चलो मान लेते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स तुमको आता है और याद भी है। ठीक है, केपलर्स लॉ आता भी है याद भी है,
अब लेकिन केपलर्स लॉ के अंदर भाई साहब मान लो केपलर्स थर्ड लॉ, तुमको आता तो है लेकिन याद नहीं है क्योंकि काफी बड़ा है ना ये, तो हम क्या करेंगे इसको हम लोग ब्लू कलर से मार्क करेंगे, ब्लू कलर से मार्क करेंगे, समझे। आता तो है लेकिन याद नहीं है। अब मान लेते हैं कि ऐसे आगे जाते 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 ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्केप वेलोसिटी वाला, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्केप वेलोसिटी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये ना तो आता है और ना ही याद है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग रेड कलर से मार्क करेंगे। अच्छा भैया ये रेड कलर ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर से मार्क करने से क्या होगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। अब हमारा गोल क्या होगा मालूम है, ग्रीन वालों का रिविजन करते रहना कि हम भूले नहीं, ब्लू वालों को याद करके ग्रीन में कन्वर्ट कर लेना, और रेड वालों को जितना ज्यादा कम कर दें एग्जाम से पहले उतना बढ़िया है। समझ में आया, रेड वालों को जितना ज्यादा कम कर दें उतना बढ़िया है। सो इस तरीके से हम हमारी पढ़ाई करेंगे और तुमको जो भी डाउट आएगा उसके लिए मैं हूं ही तुम्हारे पास। तो ये सारा का सारा फंडा हो गया कि रेड कलर का ब्लू कलर का ग्रीन कलर का पेंसिल कलर का क्यों यूज करेंगे। अब एक और सवाल तुम्हारे मन में उठ सकता है कि भैया पेंसिल कलर क्यों यूज करना है, क्योंकि बाद में मिटा के उसको कलर चेंज भी किया जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि कल को मुझे स्केप वेलोसिटी समझ में आ गया और मैंने स्केप वेलोसिटी के आगे क्या किया था, पेंसिल कलर से रेड किया था, तो मैं इसको इरेजर लूंगा और इरेजर से इसको मिटा दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ब्लू कलर लूंगा कि भाई हाँ मेरे को तो अब ये आ गया है, तो ब्लू कलर लिया मैंने और ब्लू कलर से मैंने क्या किया इसको मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया मैंने ब्लू कलर से कि हाँ भैया अब तो हमको ये आ गया। समझ में आया, तो पेंसिल कलर क्यों। अब देखो ये बुक में सारी चीजें हैं, मैं बस एक चैप्टर का सैंपल लेकर के तुम्हें दिखा रहा था, फिर आंसर भी दिए गए हैं सारे एमसीक्यू के। इसके अलावा अगर तुम नीचे जाओगे तो कुछ टॉपिक पे टेस्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि भाई 15 मार्क का टोटल मार्क्स है यहाँ पे और तुम ये टेस्ट दे सकते हो जिससे तुम अपने प्रिपरेशन को चेक कर लोगे, और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी दिए गए और उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बच्चों इंतजार मत करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये बुक को परचेस करो क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक That you should have. अब तुम लोग पक्का एक सवाल सोच रहे होगे कि भैया आपने क्या बोला था, आपने बोला था तीन चीजें चाहिए, तो पहली नंबर की चीज जो आपने बताई वो आपने बताई पेंसिल कलर्स, ठीक है पेंसिल कलर्स। दूसरा जो भैया आपने बताया वो बताया आपने टारगेट का बुक जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हम खरीद लेंगे, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए जनाब, भैया तीसरा क्या चाहिए सुन, तीसरा जो हमें चाहिए वो है पढ़ने की इच्छा, IKCHA इच्छा, समझे, पढ़ने की इच्छा चाहिए, ठीक है। पढ़ने की इच्छा नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होगा। मान लेते हैं कि लॉकडाउन के बाद मतलब लॉकडाउन लगे लॉकडाउन ना लगे, एग्जाम हो एग्जाम ना हो, ये सब बात की बात है छोटे, ये सब बहुत बात की बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि तू पढ़ाई कर, ठीक है, क्योंकि तू पढ़ेगा ना तभी तू अपने मम्मी पापा के अपने और सारी चीजों को ना सभी चीजों को तू हासिल कर पाएगा। तो ये तीन चीजें मस्ट है। मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजी बता दी बड़ी ही सिंपल जिससे तुम ट्रैक कर पाओगे, दूसरा मैंने तुम्हें ये बुक बता दिया जिसमें सारे चैप्टर्स तुम्हें अरेंज्ड मैनर में मिल जाएंगे, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एक सेकेंड रुक जाओ बस, ठीक है, मैं आ रहा हूँ फुल स्क्रीन पे, यस तो मैं आ गया। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, ये आइडिया कैसा लगा ये बताना, और ये बुक कैसा लगा, क्या तुम ये बुक परचेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये नीचे कमेंट में बता देना, और हाँ अगर कर रहे हो तो लिख दो यस भैया मुझे ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा, दिस इज अ सिंपल आइडिया एंड दिस इज द बुक दैट आई शुड हैव, मेरे हिसाब से यू शुड हैव दिस बुक, और आगे चल करके मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कोई और बुक की रिक्वायरमेंट होगी तो। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, यूज दिस स्ट्रेटेजी इन योर स्टडी, एंड हाँ मचाते हैं।